नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने तीन चार क्वेश्चन कार्य और समय के कर चुके हैं और चारों अलग अलग क्वेश्चन हैं और ये अगला पांचवा तरह का क्वेश्चन मैं फिर से लेके आ गया हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको रुपए दे रखा है कि दोनों कार्य करते हैं तो उनको इतने मिलते हैं। अब इन दोनों का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है तो एग्ज़ाम में आपको ए बी दोनों का पूछ सकता है या फिर बी का पूछ सकता है। दोनों में से का जो पूछ रहा है, बी ए का पूछ रहा है, एग्ज़ाम में दोनों आ सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं है, आपको एफिशिएंसी निकालना आना होना चाहिए। एफिशिएंसी के लिए हम एलसीएम लेते हैं तो 5 और 8, ए 5 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है और दोनों का अगर एफिशिएंसी निकाले तो 40 दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो 40 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 40 एलसीएम आए तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लोगे। ए 5 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना पड़ेगा, 8 दिन में, ये 8 दिन में करता है तो ये 5 दिन में, उल्टा एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, 8 और 5, 5 और 8। ठीक है, अब दोस्तों हमको एफिशिएंसी मिल गई। अब टोटल हमको पैसे कितने हैं, 6760 रुपये हैं, इसको हमको बांटना है एक हिस्से में। दोस्तों, जिसका भी हिस्सा निकालना होता है उसको क्या करते हैं अपन, एक का हिस्सा निकालना अपने को, किसका, एक का हिस्सा। तो क्या करते हैं, एक हिस्से को ऊपर रखो, बाकी टोटल हिस्सा कितना है, 13, 8 और 5 कितना होगा, 13, इसको नीचे रखो और मल्टीप्लाई कर दो 6760 में, काट दो 13 चौक 52 13 5 की 65, 13 2 26 मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 16, 1 बचा 8 5 40 में 41, तो ऑप्शन आ रहा है ए। देख रहे हैं दोस्तों, ए इसका आंसर है। तो अपनों को समझ में आ गया, इफिशियंसी के हिसाब से कार्य वो पैसे बढ़ जाते हैं, भले ही ए का पूछेगा तो इतना, बी का पूछेगा तो इसमें से घटा देना, जितना भी होगा वो आंसर आ जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन कार्य और समय की बहुत ही सिंपल है, मैं तो बोलता हूँ पूरा मैथ से सिंपल है, अगर आपने मन लगाकर उसको करा है, सोल्व प्रैक्टिस किया तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं नहीं किया तो मेरे साथ तो रोज़ करो ताकि आपको ये मैथ्स बहुत फास्ट हो जाएगा। बहुत ही ट्रिकी मेथड से कर रहे हैं हम, इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सोल्व। ये क्वेश्चन मात्र कितने 20 सेकेंड के अंदर अंदर हो जाएगा। दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि आपको अच्छे से सिंपल मेथड से क्वेश्चन को कराऊं और अच्छे क्वेश्चन कराऊं। चैनलों पे बहुत फालतू क्वेश्चन भी कराते हैं जो कि टाइम वेस्ट होते हैं, मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे ढूंढ के ला रहा हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगली बार आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, तो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों, जब तक कि नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय।